स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो, हेलो, या कुछ नहीं कुछ नहीं मिस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हो गया क्या? हाँ मैम। ओके, या नाउ डाउट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं एंड उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो एक्सरसाइज 3.1 सेकंड का थर्ड सब क्वेश्चन, करेक्ट? सो थर्ड वन इज आई इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। देवी का देविका, आर यू देयर? यस देविका, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। हाँ, तो तुमने होमवर्क किया है? यस मैम। हाँ मैम। हाँ, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? एनी आइडिया? पहले तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा, करेक्ट? बिकॉज हम डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। सो कैसे किया मुझे बताओगे? मैम साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर एक्स को फॉर्मूला अप्लाई करके कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यू आर सॉल्विंग नाउ और तुमने सॉल्व की है? सॉल्व किया है मैम। ओके, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हम इसको रिप्लेस करना है, ठीक है? सो साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसके बाद इसके आगे किया सॉल्व? वो हेलो मैम। बोलो। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का उसको 1 प्लस साइन एक्स इनटू 1 माइनस साइन एक्स लिख सकते। ओके, आफ्टर दैट टेल मी क्विकली जो भी तुमने लिखा है। नहीं करा है ना सॉल्व? टेल मी ऑनेस्टली। देविका, या यस या? हाँ मैम किया है, लेकिन फाइनल आंसर मिला? नहीं, फाइनल आंसर नहीं आया। अच्छा, इसके आगे सॉल्व हुआ? उसके आगे मैंने किया है, लेकिन सी डोंट वरी, यू टेल मी जो भी तुमने किया है, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग है, ये मिस्टेक्स तो होंगे ही। द थिंग इज कि तुम्हें होमवर्क ट्राई करना है कि वो सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। फाइनल आंसर तुम्हें मिलना ही चाहिए, ये जरूरी नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दैट, अंडरस्टूड? For that thing, I'm there. So, okay. Yeah. So, ये सम ऐसे सॉल्व नहीं होगा, करेक्ट? बिकॉज तुम इजिली देख सकते हो, अगर तुमने cos square को ऐसे रिप्लेस किया, अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं इसमें? ये सिंप्लीफाई होने की जगह पे कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, करेक्ट? सो सी अप्रोच तुम्हें ऐसे ही करना है कि तुम्हें फॉर्मूला ट्राई करते रहना है कि किससे सॉल्व हो सकता है, किससे नहीं हो सकता है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन देख के पता नहीं चलने वाला है कि हाँ इसी से सॉल्व हो जाएगा, जब तक तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं होगी, करेक्ट? सो अब यहाँ पे आने के बाद हमें पता लग रहा है कि ऐसे सॉल्व नहीं होगा, देन चेंज योर अप्रोच, करेक्ट?
नाउ सी, अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, दिस इज इक्वल टू, क्या मैं कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख सकती हूँ, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कैन आई राइट दिस, मैंने सिर्फ सेपरेट किया है दोनों को, मल्टीप्लीकेशन करने पे कॉस स्क्वायर एक्स ही मिलेगा, करेक्ट. नाउ दिस इज इक्वल टू, ओके, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू वन अपॉन कॉस एक्स, है ना. मैंने सिर्फ अरेंज किया है टर्म्स को, मैंने ना कोई फॉर्मूला यूज किया है, नथिंग, करेक्ट. दिस इज इक्वल टू, सी अब तुम्हें पता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स, एंड वन अपॉन कॉस एक्स इज सेक एक्स. नाउ यू हैव डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर दिस, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स एंड टेन एक्स क्या होता है, टेल मी, या एनी वन ऑफ यू, सेक एक्स प्लस सी, डन, ठीक है, ओके. सो थर्ड हो गया, एंड देन विच वन, सिक्स्थ वन, नो आई इक्वल टू साइन एक्स, हाँ मिस, सिक्स वाला वही बोल रहा था, साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स. तो जब भी तुम्हें ऐसा कुछ दिखे ना, साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स या फिर वन माइनस कॉस एक्स लाइक दिस, तो उस टाइम पे क्या करना है, कॉन्जुगेट लेके चेक करो कि क्या सिंप्लीफाई हो सकता है क्या. सो अगर हमने यहाँ पे कॉन्जुगेट लिया, साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स इन टू वन माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस साइन एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर तो क्या मिलेगा, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, करेक्ट. एंड डिनोमिनेटर में फॉर्मूला यूज होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट. नाउ अभी तुम्हें पता है कि वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स. नाउ दिस इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, डिनोमिनेटर सेपरेट करो, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ओके. अभी नाउ मैंने तुम्हें रूल बताया था कि एडिशन एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तुम सेपरेट कर सकते हो इंटीग्रेशन, तो ये क्या आएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स. ये वाला इंटीग्रेशन जस्ट अभी अभी हम लोग ने यहाँ पे किया है, करेक्ट, या सो अभी ये क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू टेन एक्स इंटू सेक एक्स. ये जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना तब तुम्हें अपने आप समझ में आने लगेगा. अभी ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स सिक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, बट हमारे पास टेन स्क्वायर एक्स के लिए फॉर्मूला नहीं है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो. You know that अभी ये क्या आएगा, sec square x minus one, बराबर, हाँ मिस, minus, but अब मैं directly separate कर रही हूँ, ठीक है, so minus से bracket sign open होगा तो इसलिए plus हो जाएगा, is this correct, check it out, है ना. अब तुम directly formula use कर सकते हो, इसका इंटीग्रेशन आएगा sec x, इसका इंटीग्रेशन आएगा tan x, इसका आएगा x, ठीक है, देख लो एक बार. मयूरी, यू आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट्स इन एनी स्टेप, कौन सा स्टेप नहीं समझ आया, मिस सेकंड वाला बताओ ना एक बार फिर से, सेकंड स्टेप से, यहाँ से नीचे ये वाला, हाँ, ओके. यहाँ पे क्या किया, सी ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, करेक्ट, तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन को मल्टीप्लाई करो वन माइनस साइन एक्स, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंड डिनोमिनेटर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, सो अप्लाई फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ए इज वन एंड बी साइन एक्स, तो ये क्या मिलेगा मुझे, वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स. मिस वो न्यूमरेटर में आपने क्या किया, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया, सी
साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट ओपन करो, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स. हाँ हाँ समझा. ठीक है मिस, ये तो पता था मिस, वो एक चीज नहीं समझा था मैंने, जो मेथड किया ना वो बस बता दो ना राइट रॉन्ग है कि नहीं. हाँ हाँ हम लोग एक सम को बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं. टेल मी. नहीं आंसर अलग आया था ना मेरा, मेरा आंसर लॉग वॉग में आया था, तो वो मैंने क्या किया साइन एक्स को प्लस वन माइनस वन कर दिया और अलग कर लिया. एक मिनट, स्टार्ट कैसे किया मेरे को बताना मिस. वही ऊपर साइन एक्स था ना, प्लस वन माइनस वन कर दिया. ओके okay, हाँ वैसे भी कर सकते हो बट आंसर सेम ही आएगा. साइन प्लस है ना, प्लस वन माइनस वन, वन माइनस साइन एक्स. अगर तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, वन माइनस साइन कॉमन निकालो, वन माइनस साइन एक्स. मिस डिनोमिनेटर में वन प्लस साइन एक्स. अच्छा हमारे पास वन प्लस साइन एक्स है क्या? ओके फिर तो ये इजी. दिस इज अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर सेपरेट करो, तो वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स, करेक्ट? हाँ है ना. नाउ ये तो वन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस साइन एक्स डी एक्स. बट इसको सॉल्व करने के लिए वापस कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा. मिस वो लॉग यूज नहीं कर सकते यहाँ पे? नहीं सी लॉग तुम कब यूज कर सकते हो, यू नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन डी एक्स इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स. अगर एक्स के जगह पे ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में फंक्शन है तो तुम फॉर्मूला सेम यूज कर सकते हो. एक्स्ट्रा कंडीशन इज डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बट ये उस फॉर्म में नहीं है. मिस पर ये उसमें फंक्शन है ना, उसको बाद में डिफरेंशिएट कर देंगे डिनोमिनेटर में. डिफरेंशिएट कर देंगे मींस? मिस आपने वो बताया था ना चेन रूल जैसा कुछ होता है इंटीग्रेशन में, डिनोमिनेटर में जाने के बाद डिफरेंशिएट. हाँ वही तो बताया. सी इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स इज लॉग एक्स. अगर तुम्हारे पास ये फंक्शन है वन अपॉन ए एक्स प्लस बी, तब भी फॉर्मूला सेम आएगा, लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी जस्ट डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. बट ये लीनियर फॉर्म है, हियर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, करेक्ट? अब इसको कंपेयर करो ए एक्स प्लस बी एंड वन प्लस साइन एक्स, क्या ये सेम है क्या दोनों? कैन यू टेल मी यहाँ पे ए क्या है और बी क्या है? ओके ए साइन है बराबर. हाँ बिकॉज साइन एक्स इज इटसेल्फ अ फंक्शन, ये खुद एक फंक्शन है. हमें एक्स के मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट नंबर चाहिए, लीनियर फॉर्म, बराबर? ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है. तो लॉग में नहीं लेने का क्या कभी? नहीं 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 इस ऐसे लॉग में नहीं लेना है, बराबर? तो इसको वापस फर्दर सिंपलीफाई करेंगे हम, इधर कॉन्जुगेट लो वापस, आंसर सेम ही आएगा बोथ मेथड बाय यूजिंग बोथ मेथड. ओके मिस और सेकंड वाला भी एक बार बता दो मेथड. सेकंड वन वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स. वन अपॉन ये सेकंड वन है एक्स्ट्रा क्वेश्चन का. ओके सो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो गए क्या, जिसको भी डाउट था, या एक कुछ है एक्सरसाइज में और? नहीं करे तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन. ओके सो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर वन हो गया था क्या सबका? नहीं नहीं. ओके फर्स्ट वन, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेस टू. ओके आकांक्षा ने किया है, सो आकांक्षा बताओगे कैसे किया? पहले इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टू माइनस फाइव एक्स, तो वो डिवाइडेड बाय माइनस वन, डिवाइडेड बाय माइनस वन, करेक्ट? ओके सी अब क्या करना है तुम्हें, एडिशन साइन दिख रहा है, पहले तो इंटीग्रेशन सेपरेट करो, देन इसके बाद सेकेंड टर्म में टू इज कॉन्स्टेंट, टेक आउट साइड, तो तुम्हें ऐसा कुछ मिलेगा. उसके बाद यू नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इज अगेन ई रेस टू एक्स, और या फिर एक्स के जगह पे अगर ए एक्स प्लस बी है तब भी फॉर्मूला सेम आएगा,
बस हमें डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स करना है, बराबर। सो अप्लाई करो, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टू माइनस फाइव एक्स इज ई रेस टू टू माइनस फाइव एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस फाइव प्लस टू इंटू, नाउ सी अभी ये किस फॉर्म में है, वन अपॉन ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में, एंड फॉर्मूला यू नो इंटीग्रल ऑफ वन बाय एक्स इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स। सो लॉग ऑफ मॉड ऑफ सिक्स एक्स प्लस वन डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस सी, करेक्ट मिस? हाँ हेलो मिस, हाँ वो ई रेस टू टू माइनस फाइव एक्स वाला नहीं समझा, फिर से समझाओ ना एक बार। टेल मी इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू एक्स डीएक्स। इंटीग्रेशन अगर मैंने x को रिप्लेस किया ax प्लस b से तो क्या आएगा? e raise to ax plus b upon a upon a, करेक्ट। ये समझा क्या? यस मिस, करेक्ट। सो सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ e raise to 2 minus 5x, अब मुझे बताओ यहाँ पे a का वैल्यू क्या है और b का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू 5 और b का 2, b का 2 a is minus 5 and a is 2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा, जस्ट हमें डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x करना है, क्लियर? यस मिस। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, I equal to integral 1 upon sine square x into cos square x dx. किया है क्या किसी ने? मिस किया है पर रॉन्ग आ रहा था। हाँ क्या किया है बताओ, अप्रोच क्या किया? मिस पहले मैंने नीचे देखा sin x और cos x है, तो उसको वो sin x cos x का फॉर्मूला रहता है ना sin 2x का, उसमें okay. कर दिया और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4। ओके ओके, या आई अंडरस्टूड। उसके बाद? उसके बाद वो sin 2 थीटा बन गया, तो ऊपर डाल दिया मैंने sin 2 थीटा, तो हाँ sin 2x ऊपर माइनस 2 चला गया, तो फिर उसके बाद मैंने उसको डिफरेंशिएट कर दिया, sin 2x को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दिया, सॉरी। इसको इंटीग्रेट कैसे किया? इसको इंटीग्रेट मिस आपने वो बोला था ना वो चेन रूल का, तो वही पहले उसको कर दिया। ओके करेक्ट योर मिस्टेक। ओके ये अगेन ये लीनियर फंक्शन नहीं है, अगर ये ऐसे होता ax plus b के फॉर्म में तो हम इसमें डायरेक्टली x raise to n फॉर्मूला यूज करते, बराबर। बट अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हम डायरेक्टली ये यूज नहीं कर सकते, ठीक है? मिस इंटीग्रेशन में तो यूज करते हैं ना, डिफरेंशिएशन में तो यूज करते हैं, तो इंटीग्रेशन में क्यों नहीं कर सकते? नो रूल नहीं है ना इंटीग्रेशन का, वैसे दोनों के रूल्स अलग अलग हैं। हम इंटीग्रेशन में सॉरी हम डेरिवेटिव में जब दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो तो उसके लिए रूल होता है, बट इंटीग्रेशन में नहीं है, लाइक दिस। अंडरस्टूड? ठीक है मिस। या यू कैन नॉट इंटीग्रेट दिस। किसी ने किया? सुहास, सुहास अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मिस। हाँ किया है ये क्वेश्चन? हाँ किया है। हाँ कैसे करेंगे? टेल मी क्विकली। हमें साइन sin square x plus cos square x का वैल्यू 1 आता है, करेक्ट। सो दिस इज द की पॉइंट, गुड। 1 इक्वल टू sin square x plus cos square x, यू सी एक स्टेप से तुम्हारा पूरा सम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? नाउ यू कैन इजीली सेपरेट योर डिनोमिनेटर, सेपरेट करो। सो sin square x डिवाइडेड बाय sin square x into cos square x प्लस
cos square x upon sin square x into cos square x dx बराबर। अब देखो यहाँ पे sin square x कैंसिल हो जाएगा, cos square x कैंसिल हो जाएगा, this is equal to 1 upon cos square x dx plus, मैं इंटीग्रेशन सेपरेट कर रही हूँ, 1 upon sin square x dx, this is equal to sec square x dx plus cosec square x dx। Now, अब तुम इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। Tell me integration of sec square x. Tan x minus cot x plus c, correct? Okay. So, ma'am. Done. Hello. Yeah. उसमें हाँ, को हम लोग सेपरेट करके भी तो मिलेगा ना, यहाँ पे sec squared x dot cos squared x। अच्छा क्या किया तुमने ये मुझे बताओ, I equal to tell me ma'am 1 upon sin squared x into 1 upon cos squared x, ha okay, after this cosec squared x cosec squared x dx, cosec squared x ko hum log 1 minus cos squared x, cosec square x is cot square x minus 1 na, मल्टीप्लाई किया मैम, इसके आगे क्या किया नहीं मैम, शायद मेरा गलत हो गया, इसके आगे मैं sec squared x को हम लोग 1 plus tan squared x लिख सकते हैं, या श्योर, बट फिर इसके आगे नहीं मैम, उससे अच्छा sec squared x को मल्टीप्लाई करना ही है, अंदर मल्टीप्लाई करना है, ओके okay. इसके आगे कैसे करोगे लेकिन नहीं मैम शायद, है ना, या सॉरी मैम, सो नो डोंट से सॉरी, इट्स ओके, सी हमें सम ट्राई करते रहना है, अप्रोच तो करना ही है, एक सम को हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, अगर वो सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, जरूरी नहीं है कि यूनिक वे ही है, या सो मुस्कान, यस मैम, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंटीग्रल x अपॉन x प्लस 5 dx, प्लस प्लस 5 माइनस 5 किया, फिर डिनोमिनेटर को सेपरेट किया, करेक्ट, तो ये फिर इंटीग्रेशन भी सेपरेट किया, करेक्ट, तो ये फर्स्ट वाला 1 हो जाएगा, हाँ, और फिर x माइनस 5 log mod x प्लस 5 प्लस c प्लस c, अच्छा इसके डिनोमिनेटर में कुछ आएगा नहीं मिस 1, तो उसको लिखना जरूरी नहीं है, या करेक्ट, या करेक्ट, मिला सबको ये आंसर, ओके, नाउ टेल मी अबाउट दीज क्वेश्चंस, सॉल्व हुआ है क्या, जस्ट अ मिनट, ब्लर दिख रहा होगा ना, या सो क्वेश्चन सबके पास है करेक्ट, ये जो मैंने अभी लिखा है, सो टेल मी आंसर वन बाय वन, ये जो फर्स्ट वन है, आई इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स इंटीग्रल,
करेक्ट, ये सेम इस तरह से करना है जैसे अभी मुस्कान ने बताया है, बराबर। बस फाइव के जगह पे टू है हमारे पास, सो ये तो इजीली हो जाएगा। नाउ सेकेंड वन, I इक्वल टू इंटीग्रल 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 dx, किया है किसी ने? हाँ मिस। हाँ कैसे करेंगे मिस? इसको ना पहले इसको भी 4x प्लस 2 माइनस प्लस 1। हाँ तो दिस इज इक्वल टू 4x प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 dx, करेक्ट। दिस इज इक्वल टू 4x प्लस 2, ये हो जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 dx, ओके। अब तुम डिनोमिनेटर सेपरेट करो, सो ये मिलेगा, 2 कॉमन निकालो, प्लस इंटीग्रल 1 अपॉन 2x प्लस 1 मिला सबको यही, ओके। नाउ यहाँ से 2x प्लस 1 2x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 इज कांस्टेंट, टेक आउटसाइड, इंटीग्रल ऑफ dx प्लस इंटीग्रल 1 अपॉन 2x प्लस 1 dx। अब तुम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो गौरी, गौरी तुम्हारा माइक ऑन है लेकिन आवाज नहीं आ रही, कुछ बोलोगी तो आवाज आएगी, से समथिंग। इफ यू डोंट वांट टू आंसर से यू डोंट नो, सो दैट मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा और बाकी लोग का भी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, चैप्टर बहुत बड़ा है। मानसी, यस मैम। मानसी इसको इंटीग्रेट करना, इंटीग्रल ऑफ डीएक्स क्या आएगा? एक्स एक्स करेक्ट, प्लस एन इंटीग्रल ऑफ 1 बाय 2x प्लस 1 लॉग ऑफ 2x प्लस 1 बाय 2 करेक्ट, ओके ओके। ऋषिकेश तुमने किस वे से किया? मैं वो 2x प्लस 1 को डिवाइड किया 4x प्लस 3 से। हाँ वैसे भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, चलेगा, ओके। थर्ड वन, I इक्वल टू इंटीग्रल x माइनस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 dx, या टेल मी दिस, कॉन्जुगेट, ओके, एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय, ये ऐसे आ जाएगा, करेक्ट, डीएक्स, देन इसके बाद what happened? Am I audible? Yes, yes, miss. इसके आगे क्या किया? नहीं पता। Simplify नहीं हो रहा है ना? Ma'am, question दूसरा लिखा आपने। दूसरा लिखा? X no. ये question number 4 है। Third यही है ना? X minus 2 divided by. नहीं, ma'am, 4 थे। बराबर है miss. This is correct only. मीन्स टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ओके, या, सो एनी अदर वे, एनी आइडिया कैसे करेंगे?
रूट ऑफ एक्स माइनस फाइव आएगा ना ऊपर ना. सी दिस, ये सिंगल स्क्वायर रूट है तो इसका कॉन्जुगेट लोगे तो क्या आएगा, सेम तुम्हें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है. ठीक है. ओके सो मैं हिंट देती हूँ, इसको हम एक्स, क्या मैं माइनस टू को ऐसे लिख सकती हूँ, टेक इट आउट बराबर. yes. है ना. तो क्या अभी ये सॉल्व हो जाएगा, अब तुम लोग सेपरेट कर सकते हो, डिनोमिनेटर सेपरेट करो. देखो सॉल्व करके क्या आ रहा है. मिस वो ऐसा सेम भी कर सेम भी करते हैं ऐसा, वो जो मतलब नीचे रहता है वैसा ऊपर कर देते. ये सिंप्लीफिकेशन के लिए, इसीलिए तो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें ज्यादा प्रैक्टिस करवा रही हूँ ना मेथड स्टार्ट करने के पहले, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ भी हो सकता है, तुम्हें उसको सिंप्लीफाई करना है. एंड इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर रूल नहीं है कि तुम्हें याद रखना, मतलब तुम याद रख सको, ऐसा कुछ नहीं है. जितना तुम सम्स प्रैक्टिस करोगे तुम्हें समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है. इंटीग्रेशन में वही इंपॉर्टेंट है, तुम्हें सिंप्लीफाई करना है. सेपरेशन के बाद, हाँ सेपरेशन के बाद दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस सेवन अपॉन डी एक्स. करेक्ट. अभी सी इसका पावर वन है एंड डिनोमिनेटर में एक्स प्लस फाइव का पावर क्या है मुझे बताओ. हाफ हाफ. a raised to m upon a raised to n is equal to a raised to m minus n. Law of indices. Use karo. Yes. So this is equal to integral x plus 5 raised to 1 minus half. Barabar. Minus 7 into x plus 5 raised to minus half. Correct? Dx. Now this is equal to इंटीग्रल एक्स प्लस फाइव रेज टू हाफ माइनस, मैं इंटीग्रल सेपरेट करती हूँ, माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव रेज टू माइनस हाफ. ठीक है. अब इसके बाद तुम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो, सिंस यू नो दैट इंटीग्रल एक्स रेज टू एन डी एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी. एंड x की जगह पे अगर ए एक्स प्लस बी होगा तब भी तुम फॉर्मूला सेम अप्लाई करोगे, जस्ट डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x. बराबर. एंड हियर द फॉर्म इज ए एक्स प्लस बी वेयर ए इज वन एंड बी इज फाइव. सो इंटीग्रेट करो इसको. दिस इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x प्लस फाइव रेज टू हाफ प्लस वन डिवाइडेड बाय हाफ प्लस वन एंड डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, बट कोएफिशिएंट ऑफ x तो वन है. बराबर. सो माइनस सेवन इंटू एक्स प्लस फाइव रेज टू माइनस हाफ प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस वन, अगेन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज वन. अब इसको सिंप्लीफाई करो. मिस सुनो ना. हाँ बोलो. कुछ नहीं समझा. ओके मिस, दूसरा मेथड है क्या. दूसरा अभी तो मेरे को ये एक लग रहा है कि ऐसे सिंप्लीफाई किया. ठीक है मिस, ये वाला ही बताओ ना. हाँ मैं बताती हूँ, ये वाला ही बताती हूँ. ओके ये स्टेप समझा मैंने क्या किया. नहीं स्टार्टिंग से नहीं समझा. ओके मैंने माइनस टू को रिप्लेस किया फाइव माइनस सेवन से, क्या मुझे माइनस टू मिलेगा फाइव माइनस सेवन. हाँ मैंने क्यों किया फाइव माइनस सेवन, फाइव ही मैंने पर्टिकुलरली क्यों लिया, बिकॉज मुझे डिनोमिनेटर में एक्स प्लस फाइव दिख रहा है. बराबर. हाँ. तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मुझे न्यूमरेटर में भी एक्स प्लस फाइव के टर्म में कोई वैल्यू मिल जाए. अंडरस्टूड. तो दैट्स व्हाई मैंने रिप्लेस किया. सो रिप्लेस करने के बाद तुम इसको एक टर्म कंसिडर करो एंड इसको दूसरा टर्म ए माइनस बी के फॉर्म में.
अब डिनोमिनेटर सेपरेट करो, तो जब डिनोमिनेटर सेपरेट करोगे तो ऐसा मिलेगा। मिस फर्स्ट स्टेप नहीं समझा, ये नहीं समझ में आया? हाँ नहीं समझा। अरे वही तो बताया ना, सी इंटीग्रल x माइनस टू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस फाइव बराबर, ये जो माइनस टू है यू नो दैट माइनस टू इज इक्वल टू फाइव माइनस सेवन बराबर, तो इसको बस रिप्लेस करो x प्लस फाइव माइनस सेवन, इतना समझ में आया है क्या बताऊं? हाँ हाँ है ना। हाँ ये मेरा एक टर्म है और ये मेरा दूसरा टर्म है, डिनोमिनेटर सेपरेट करो, यू नो दैट a माइनस बी अपॉन सी इज इक्वल टू ए बाय सी माइनस बी बाय सी बराबर है ना। अब डिनोमिनेटर है रूट ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स प्लस फाइव, अब डिनोमिनेटर सेपरेट करो तो तुम्हें ये स्टेप मिलेगा, इतना ठीक है। हाँ. इसके बाद अभी ये देखो x प्लस फाइव रेस टू वन बराबर एंड डिनोमिनेटर में x प्लस फाइव रेस टू हाफ, हम रूट को क्या लिखते हैं, रेस टू हाफ लिखते हैं ना। तो क्या अब मैं इसमें लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज कर सकती हूँ, a रेस टू m अपॉन a रेस टू n इक्वल टू a रेस टू m माइनस n बराबर। तो सेम मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है x प्लस फाइव रेस टू वन माइनस हाफ, क्लियर? हम इस मतलब वो रूट को हटा के हाफ, हाँ ये ऐसे लिखा x प्लस फाइव रेस टू वन x प्लस फाइव रेस टू हाफ, अब इसको ऊपर लेके जाओ। हाँ हाँ समझा। ओके सिमिलरली इसमें देखो x प्लस फाइव रेस टू हाफ है, जब हम कोई वैल्यू डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर लेके जाते हैं तो उसका पावर नेगेटिव हो जाता है, तो इससे मुझे ये मिला। एंड देन उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। ओके नाउ यू गाइस टेल मी दिस क्वेश्चन, एट्थ, एट्थ वन तो बहुत इजी है। टू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, टू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ओके फिर टू स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन प्लस कॉस टू एक्स, करेक्ट करेक्ट मिला, पता चला सबको कैसे करना है। आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, जब भी तुम्हें इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर टू एक्स कॉस स्क्वायर फोर एक्स ऐसे फॉर्म में है तो तुम्हें सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करना है, you know that 1 plus cos 2x is 2 cos square x and 1 minus cos 2x is 2 sin square x, okay to jab bhi sin square ka term aayega to use this one and jab bhi cos square ka aayega so use this one, correct। ab yahan se mujhe cos square x ka value kya milega, cos square x equal to 1 plus cos 2x divided by 2, correct। So therefore I is equal to replace करो 1 by 2 plus cos 2x by 2 dx, मैंने directly denominator separate करके लिखा है, ठीक है। Now अब इसके बाद का तुम्हें पता है, integral separate करो and constant terms take outside, okay this is equal to x by 2 since half बाहर आ जाएगा and integral of dx is x प्लस हाफ। नाउ टेल मी इंटीग्रल ऑफ कॉस 2x साइन 2x साइन 2x साइन 2x सिर्फ साइन 2x बाय 2 अपॉन 2 बाय 2 अपॉन 2 प्लस सी, ओके फोर्थ वन हो गया दिस वन। If f dash of x equal to x minus 3 upon x cube, f of 1 मिला है 11 by 2, then find the value of f of x. Miss क्या find करने को बोला है?
एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है. अमन ये 7/2 किसका वैल्यू है? सी का ओके. कर लिया है क्या सबने? नहीं मैं स्टार्ट किया है. मैंने लास्ट टाइम ये सम ऐसे सम कराया था कि अगर एफ डैश ऑफ एक्स दिया है तो एफ ऑफ एक्स हमें कैसे मिलता है. यू नो दिस, एफ ऑफ एक्स इज इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स. सो तुम्हें सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है, x माइनस 3 अपॉन x क्यूब dx, इसको इंटीग्रेट करना है. सो सेपरेट करो पहले इंटीग्रल माइनस, करेक्ट. नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x dx माइनस 3 इंटीग्रल ऑफ x रेस टू माइनस 3 dx. नाउ टेल मी इंटीग्रल क्या आएगा इसका? जानवी? यस मैम. इसका इंटीग्रल इसका आगे सॉल्व करके x स्क्वायर बाय 2 माइनस 3 ब्रैकेट में x रेस टू माइनस 2 बाय माइनस 2 करे प्लस सी ओके. नाउ दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हो प्लस सी. ये हो गया तुम्हारा एफ ऑफ एक्स. बट एफ ऑफ एक्स जो है वो सी के टर्म्स में, मीन्स इसमें कांस्टेंट टर्म भी है, ये हमें फाइंड आउट करना है. सो उसके लिए यूज दिस सेकेंड डेटा, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 11 बाय 2 ये दिया है हमें. दैट मीन्स क्या दिया है कि जब तुम एक्स इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे फंक्शन में तो इस पूरे फंक्शन का वैल्यू तुम्हें 11/2 मिलेगा. बराबर, तो सब्स्टिट्यूट करो, एफ ऑफ 1 फाइंड आउट करो. सिंस एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू, अगर हमने LHS में 1 सब्स्टिट्यूट किया है तो RHS में भी सब्स्टिट्यूट करेंगे. रिप्लेस दिस एक्स बाय 1. सो 1/2 प्लस 3/1 इज 3 प्लस सी, करेक्ट. दिस इज इक्वल टू, ये सॉल्व करो क्या मिलेगा, 7/2, करेक्ट, या प्लस सी. बट यू नो दैट एफ ऑफ 1 इज 11/2. सो अगेन सी इज इक्वल टू 11/2 माइनस 7/2. दिस इज इक्वल टू 4/2. बराबर अमन, तूने गलत वैल्यू निकाला है, चेक कर एक बार. मैम इक्वेशन कहाँ पे, कहाँ पे मैंने कुछ गलत किया है क्या? ऑफ एक्स थ्री बाई एफ ऑफ एक्स में ना 3/2 एक्स स्क्वायर आएगा. एफ ऑफ एक्स में 3/2 मैंने यहाँ पे गलत किया है ना. ओके 2x स्क्वायर देन डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा 4/2 दिस इज 7/2. नाउ इट्स करेक्ट है ना. ओके अब सिंपली सिर्फ ये तुम्हें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तुम्हें फंक्शन मिल जाएगा. दैट्स इट, फाइन. ओके सो नाउ आई विल टेल यू सम. ओके राइट डाउन, फिर मैं कुछ और फॉर्मूला बताती हूँ, ऐड करो वो. इंटीग्रल ऑफ, अच्छा मुझे ये बताओ डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है? डी बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स. करेक्ट, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स,
माइनस वन अपॉन रूट अंडर रूट माइनस वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी और कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी. इन दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो. ठीक है, राइट डाउन. नेक्स्ट इज टेल मी डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स ऑफ एक्स. तो यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज सेम एज टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी और माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी. दोनों में से कोई एक लिख सकते हो. ठीक है, एंड सिमिलरली लास्ट वन. हाँ बोलो. इसमें भी आपने कुछ नहीं, आवाज नहीं आई, वापस बोलना. वॉइस इज ब्रेकिंग. इसमें भी आपने कंडीशन बोला था ना कुछ टैन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स. सॉरी नथिंग. ओके, सो सिमिलरली लास्ट वन क्या आएगा, सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी और माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी. सो ये तुम यूज कर सकते हो. राइट डाउन दिस, देन मैं एग्जांपल देती हूँ. Done. Okay. अभी ये दो सम ट्राई करो. ये दो थर्ड एंड फोर्थ. ये एक्सरसाइज के नहीं है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं. हेलो मिस, आपने को थर्ड एंड फोर्थ मिस मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ आ रही है, बोलो. नहीं मिस कुछ नहीं, वही चेक. अच्छा आ रहा है क्या? थर्ड वन मिला क्या? एनी आइडिया मिस कौन सा करना है? ओए कौन है अभी, कौन है ये? अमन मिस सॉरी, वो मेरा बीच में जा रहा था, वो मतलब
अच्छा कोई नहीं कोई नहीं, थर्ड एंड फोर्थ करो। ऋषिकेश, ओके ऋषिकेश मैं हिंट देती हूँ। सी क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन क्या है, वन अपॉन फोर एक्स माइनस वन अंडर रूट फोर एक्स माइनस वन स्क्वायर माइनस वन। फॉर अ टाइम बीइंग तुम सिर्फ इस तरह से सोचो कि 4x माइनस वन इज नथिंग बट योर x, ठीक है, जस्ट कंसिडर। तब तुम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो? करेक्ट आकांक्षा, गुड, ओके ऋषिकेश, या नाउ दिस 4x माइनस वन ये लीनियर फंक्शन है ax प्लस बी के फॉर्म में, तो तुम फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, जस्ट डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स करना अप्लाई करने के बाद। ओके सो टेल मी आंसर क्या आएगा। सी ये इस फॉर्म में है, सी ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इंटीग्रल वन अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, यस डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला, बिकॉज ये ऑलरेडी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में है, मुझे डायरेक्टली फॉर्मूला मिल रहा है मेरा, बराबर, जस्ट एक्स के जगह पे लीनियर फॉर्म है तो उससे हमें ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम फॉर्मूला अप्लाई करके डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कर देंगे, बराबर। सो दिस इज इक्वल टू आइदर यू यूज दिस sec इनवर्स ऑफ x और माइनस cosec इनवर्स ऑफ x, दोनों में से कोई भी चलेगा। सो sec इनवर्स ऑफ x के जगह पे है 4x माइनस 1, तो डिवाइड करो कोएफिशिएंट ऑफ x से प्लस c, वन लाइन आंसर, ठीक है। सिमिलरली मुझे बताओ फोर्थ वन कैसे करोगे, जस्ट अज्यूम कि 4x प्लस 5 की जगह पे अगर x है तो ये कैसे दिखेगा, फर्स्ट वन तुम्हें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा थोड़ा, बिकॉज साइन इनवर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। यस हुआ क्या, सिंपलीफाई हुआ ये? हाँ मिस। कैसे किया? मिस वो कॉस फाइव एक्स को मिस। बोलो। मिस वो पाई बाई टू। करेक्ट। कॉस को हम साइन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। बराबर। हाँ वही। साइन पाई बाय टू माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा, बट अभी थीटा इज आर फाइव एक्स, तो ये क्या आएगा, साइन पाई बाय टू माइनस फाइव एक्स इज इक्वल टू कॉस फाइव एक्स, हमने ये डेरिवेटिव में भी किया है ऐसे सिंप्लीफाई, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस फाइव एक्स डीएक्स। नाउ यू नो दिस, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो ये क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल पाई बाय टू माइनस फाइव एक्स डीएक्स। पाई बाय टू इज कॉन्स्टेंट, अब दोनों को सेपरेट करो, दिस इज पाई बाय टू इंटीग्रल ऑफ डीएक्स माइनस फाइव इंटीग्रल ऑफ एक्स डीएक्स, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डीएक्स इज एक्स, तो ये आ जाएगा पाई एक्स बाय टू माइनस
इंटीग्रल ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर बाय टू सो फाइव एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी दैट्स इट बराबर ओके एनी डाउट्स नो मिस ओके सो या सो मैं इसमें होमवर्क क्वेश्चंस मेंशन करूंगी लास्ट में ठीक है सो मोर प्रैक्टिस डू दो सम्स एंड देन नेक्स्ट टाइम से हम स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन ये तो हो गए सिंपल एग्जांपल कि हम जो हमने प्रीवियस फॉर्मूला पढ़ा है वही यूज करके हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं बट समटाइम्स इट हैपेंस कि वो इतने इजीली सिंप्लीफाई नहीं होगा करेक्ट तो उसके लिए हमें प्रॉपर मेथड्स की जरूरत है वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे वन बाय वन ओके सो एक बार तुम लोग इस जनरल मेथड्स